नमस्कार, सिद्धि हिंदी विद्यालय की YouTube चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार, जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर एक मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। इसी सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों के सामने जो लेशन परीक्षा के अंतर्गत आने वाले वो लेशन का चार्ट आप लोगों के सामने है। अंत के जो दोनों लेशन है 11वां और 12वां, वो संपूर्ण आने वाला नहीं है क्योंकि 11वें 12वां दोनों लेशन आप लोगों का निरस्त कर दिया है। और फिलहाल हम लोगों का जो लेशन कल हमने चालू किया था छठा मार्गदर्शन, छठा लेशन है मार्गदर्शन अंग्रेजी में जिसको डायरेक्टिंग कहते हैं, उनके अंतर्गत मैंने आप लोगों को मुद्दों का चार्ट के भाई जो जो आने वाला है कि मार्गदर्शन का अर्थ, मार्गदर्शन के तत्व, मार्गदर्शन के बाद अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा के बाद मुद्रा की और बिन मुद्रा की जो प्रोत्साहन है उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले मार्गदर्शन की जो टिप्पणी मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि मार्गदर्शन का सामान्य एक अर्थ आप लोगों को कम से कम लिखना रहेगा कि कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिया जाने वाला दिशा निर्देश और उनकी देखरेख करना अर्थात मार्गदर्शन। पुनः एक बार उसकी परिभाषा को टैली कर लीजिएगा कि कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश करना और उसकी देखभाल करना अर्थात मार्गदर्शन। अलग अलग विद्वानों ने मार्गदर्शन की जो परिभाषा दी थी उन परिभाषा के अंतर्गत भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। कुंतज और ओडोनल बहुत मस्त परिभाषा देते कि अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना, उनकी देखरेख करना अर्थात मार्गदर्शन। यहाँ पर हमने उसके लक्षण चालू किए थे, मैंने आपको उसके लक्षणों के केवल नाम बताए थे, अब उसके बारे में डिटेल में। तो डिटेल में जब आप मार्गदर्शन के लक्षणों के बारे में लिखते हैं तो पहला मुद्दा है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। तो दो मुद्दे बनाने हैं, एक कि मार्गदर्शन उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है, मार्गदर्शन उद्देश्य या तो मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की देखरेख देकर उसको प्रोत्साहित करना है। कैसे? कि व्यवसाय का लक्ष्य सिद्ध हो सके, इस प्रकार मार्गदर्शन उद्देश्य, मतलब दो मुद्दे, एक मार्गदर्शन उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है और कैसे कि भाई उनका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, इसलिए उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति मानी जाती है। दो मुद्दे आपको उसके अंतर्गत बनाने। उसके बाद संचालन के सभी स्तरों पर होने वाला कार्य। तो देखो, किताब का मुद्दा तो आप लोगों को लंबा चौड़ा पड़ा है, पर आप लोगों को पहला मुद्दा लिखना है कि वाक्य प्रयोग कि मार्गदर्शन संचालन के सभी स्तरों पर होने वाला कार्य है। कहाँ कहाँ पर यह कार्य होता है सर? तो आपकी किताब में लिखा है कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्य विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य नीति प्रबंध की बातों के लिए मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद निरीक्षक, जॉबर, फॉरमैन, उसके बाद जॉबर के बाद फॉरमैन अपने अधीनस्थों को कार्य के बारे में श्रमिकों को समझाते, मतलब मार्गदर्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक? तो कि विभागीय अधिकारी, प्रबंधकीय अधिकारी, निरीक्षक, जॉबर, फॉरमैन और श्रमिक, सभी स्तरों पर होने वाला कार्य माना जाता है। इस तरह से दो मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं। नंबर तीसरा, मार्गदर्शन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हो कि मार्गदर्शन वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात कौन कौन सा मार्गदर्शन देना पड़ता है? तो कि कार्य, कार्यविधि,
उनकी नीति के अर्थघटन संबंधी मार्गदर्शन सतत कर्मचारियों को देने पड़ते हैं। मतलब दो मुद्दे, एक मार्गदर्शन सतत चलने वाली प्रक्रिया है और दूसरे कौन कौन से कार्य के लिए उसको सूचना देनी पड़ती है, तो के कार्य, कार्यविधि और लक्ष्य नीति वगैरह के बारे में। इस प्रकार मार्गदर्शन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा जो लक्षण है कार्यों की देखरेख, तो पहला आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है कि मार्गदर्शन में सभी प्रकार के कार्यों की देखरेख ली जाती है, अर्थात मार्गदर्शन के कार्य के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यों की क्या की जाती है, देखरेख। अब आपको भी प्रश्न होगा कि भाई ये कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से काम देखने उसमें के कर्मचारी कार्य करते हैं कि नहीं, उसके बाद मार्गदर्शन देना, उसके आदेश का दिशा निर्देशन देने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि सूचना और आदेशों के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। मतलब इतना ही मुद्दा, दो मुद्दा, एक वाक्य प्रयोग कि मार्गदर्शन कार्यों की देखरेख करने का कार्य करता है, और दूसरा मुद्दा क्या क्या काम करता है, तो कि एक ही काम करता है कि जो काम कर्मचारियों को दिया हुआ है वो कार्य कर्मचारी सही ढंग से करता है कि नहीं, उसको देखने का काम मार्गदर्शन का है। इसी प्रकार का पांचवा जो है वो विशाल कार्यक्षेत्र, अर्थात जो मार्गदर्शन है उसका कार्यक्षेत्र विशाल होता है। मतलब वाक्य प्रयोग हो गया कि मार्गदर्शन का कार्यक्षेत्र विशाल है, क्यों सर ये विशाल है, तो उसके अंतर्गत दूसरा मुद्दा कि कर्मचारियों को मात्र मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन करना नहीं, पर संचालकों के द्वारा इकाई के निर्णयों की उचित समझ देकर निर्णय को प्रभावशाली ढंग से अमल करने का कार्य इसमें होता है, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र विशाल है। क्योंकि केवल सलाह देकर इसमें छूट जाने का कार्य नहीं होता, लेकिन जो कार्य के लिए सलाह या तो मार्गदर्शन दी गया है उन कार्यों के अंतर्गत वो कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको देखने का काम भी मतलब कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का रहता है। उसके बाद छठा जो मुद्दा है वो आप लोगों का है सूचना संचार। तो वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि मार्गदर्शन में कर्मचारियों को आदेश और दिशा निर्देश देने के लिए कार्यक्षम सूचना संचार पूर्व शर्त माना जाता है। मतलब वाक्य प्रयोग हुआ कि सूचना संचार मार्गदर्शन की पूर्व शर्त मानी जाती है। क्यों सर? क्योंकि यदि सूचना संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित न हो तो उचित समय पर योग्य कर्मचारियों को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता, इसलिए सूचना संचार मार्गदर्शन की पूर्व शर्त मानी जाती है। उसी क्रम के अंतर्गत सातवां जो मुद्दा है वो है प्रोत्साहन, अर्थात प्रोत्साहन का पहले तो अर्थ कि भाई मार्गदर्शन प्रोत्साहन मार्गदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण या तो आवश्यक पहलू माना जाता है, अथवा कर्मचारियों से अधिक अच्छा कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक होता है। कैसा प्रोत्साहन देना चाहिए सर उसको? तो उसके अंतर्गत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च अधिकारी व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। किस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं? व्यक्तिगत। मतलब पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, कौन कैसा मार्गदर्शन दिया जाता है, तो कि व्यक्तिगत प्रोत्साहन दिया जाता है। और उसका लाभ क्या होता है? तो लाभ के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रश्न और दुविधाएं दूर होती है, उसमें विश्वास का संचार होता है और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह से प्रोत्साहन के अंतर्गत तीन मुद्दे बनेंगे। एक, प्रोत्साहन मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण भाग है, ज़्यादातर प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों का मतलब पसंदगी करनी चाहिए और प्रोत्साहन के द्वारा उनके प्रश्न और उसकी दुविधाएं दूर होती है, उनमें विश्वास का संचार होता है और जिससे कर्मचारी और अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। आठवां जो मुद्दा है वो निम्नगामी प्रवृत्ति, मतलब मार्गदर्शन जो है वो निम्नगामी प्रवृत्ति है। निम्नगामी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? तो दूसरा, ये कहाँ से कहाँ, ये उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब उच्च अधिकारी मध्य अधिकारी को, मध्य अधिकारी निम्न अधिकारी को, और निम्न अधिकारी उनके श्रमिकों को और मजदूरों को मतलब मार्गदर्शन दे सकता है। इसलिए ये जो प्रवृत्ति वो निम्नगामी है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाती है। दो मुद्दे हो गए वापस एक बार, मार्गदर्शन निम्नगामी प्रवृत्ति है, दूसरा कहाँ से कहाँ, तो कि ये उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है, और कौन देता है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई मध्य स्तर के अधिकारी निम्न स्तर, मतलब उच्च स्तर का मध्य स्तर को और मध्य स्तर का निम्न स्तर को जानकारी देने का काम करता है। उसी क्रम के अंतर्गत एक नवा जो मुद्दा है संचालकीय कार्य, संचालन के विभिन्न कार्य मतलब खासकर आयोजन, प्रबंध,
कर्मचारी व्यवस्था, उनका संकलन, उनकी सूचना प्रेषण और उनके ऊपर नियंत्रण और मार्गदर्शन वगैरह संचालन के कार्य मार्गदर्शन के अंतर्गत जुड़े हुए। पुनः एक बार, ये संचालकीय कार्य है, मार्गदर्शन एक संचालकीय कार्य है। कैसे? दूसरा मुद्दा, क्योंकि इसमें आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन, सूचना प्रेषण और नियंत्रण जैसे मुद्दों का समावेश होता है, इसलिए उसको संकलन का कार्य या तो संचालकीय कार्य कहा जाता है। उसके बाद का आगे का जो टॉपिक है वो मार्गदर्शन का महत्व। मार्गदर्शन के महत्व के अंतर्गत भी 9 मुद्दे हैं, जिसके मुद्दे आप लोगों को मैं बता दूं पहले कि कार्यक्षमता में वृद्धि, कार्यक्षमता का विश्लेषण, कर्मचारियों को प्रोत्साहन, प्रभावशाली आयोजन, प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र, संकलन और सहयोग, नियंत्रण का कार्य, कार्य उत्साह में वृद्धि और विचलनों की खोज। अगर 3 अंकों में आप लोगों को सवाल पूछा जाए कि मार्गदर्शन का अर्थ बताकर मार्गदर्शन के महत्व के मुद्दे लिखो, तो मार्गदर्शन की परिभाषा लिखकर आप लोगों को मार्गदर्शन के महत्व के मुद्दों के केवल नाम लिखने हैं, और यही सवाल पलटकर आपको पूछे कि समझाओ, तो आप लोगों को 5 अंकों के अंतर्गत इसको समझाने रहेंगे। पुनः एक बार उन मुद्दों को बता दूं, कार्यक्षमता में वृद्धि, कार्यक्षमता का विश्लेषण, कर्मचारियों को प्रोत्साहन, प्रभावशाली आयोजन, प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र, संकलन और सहयोग, नियंत्रण का कार्य, कार्य उत्साह में वृद्धि और विचलनों की खोज जैसे मुद्दों का इसमें समावेश होता है। इस तरह से वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो संपर्क पर फोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।